नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी में। मैं पूनम आपके साथ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली है। बसपा प्रमुख ने मंगलवार रात करीब 10 बजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया। मायावती ने स्पष्ट किया कि आकाश के पिता आनंद कुमार पार्टी में अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। यह एक्शन तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद लिया गया। आकाश ने पिछले दिनों एक के बाद एक भाजपा पर बयान दिए थे। इस एक्शन को उससे जोड़कर भी देखा जा रहा है। मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, पूर्ण परिपक्वता न होने की वजह से उन्हें दोनों पदों की अहम जिम्मेदारी से हटाया जाता है। 6 अप्रैल को आकाश आनंद ने लोकसभा चुनाव को लेकर पहली जनसभा बिजनौर में की। कहा था, भाजपा सरकारी खर्चे पर अपनी योजनाओं का बखान कर रही है। प्रदेश सरकार को खुद को बुलडोजर सरकार कहलवाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनता ने सरकार को तोड़ने के लिए नहीं जोड़ने के लिए चुना था। 24 अप्रैल को संत कबीर नगर में कहा, भाजपा गद्दार और घमंडी है। ये कहते हैं कि इन्होंने राम मंदिर बनवाया, तुम कौन होते हो भगवान को लाने वाले? तुम इंसान होकर भगवान को लाने की बात कर रहे हो। मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनना शुरू हुआ और पैसे जनता के लग रहे हैं, इसमें भाजपा का क्या लगा है? 25 अप्रैल को आकाश आनंद ने आजमगढ़ में कहा, सरकारी नौकरियों के लिए पेपर देते हो और वो लीक हो जाता है तो मन करता है कि जिसने पेपर लीक किया उसका गुदा निकालकर जमीन में गाड़ दें। उन्होंने सपा को देशद्रोही और गद्दार कहा था। 28 अप्रैल को सीतापुर में कहा था, भाजपा की सरकार बुलडोजर सरकार नहीं बल्कि आतंकवादी सरकार है, इसने आवाम को गुलाम बनाकर रखा है, अब ऐसी सरकार को खाड़ कर फेंकना है। जो सरकार रोजगार और पढ़ाई नहीं दे सकती उसे सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। अगर ऐसे लोग आपके बीच वोट मांगने आते हैं तो जूता निकाल कर रेडी कर लीजिए, वोट की जगह जूता मारने का वक्त आ गया है। इसी के साथ बने रहे।